हिंदुओं की शक्तिपीठ, ये सीरीज हमारी चल रही है। इसमें हमने शारदा पीठ, वैष्णो देवी, कांगड़ा देवी, इन तीनों को कवर अप कर लिया है। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल्स पढ़ ली हैं। तो आज जो हम शक्तिपीठ के बारे में पढ़ेंगे वो है पूर्णागिरि मंदिर। अब ये जो पूर्णागिरि मंदिर है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मंदिर उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, यानी कि ये हमारे ही राज्य का एक बहुत सुंदर देवी का मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। उत्तराखंड में चंपावत जिले में, चंपावत जिले के टनकपुर में ये मंदिर स्थित है देवी का। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है किसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, चंपावत जिले में टनकपुर में ये स्थित है। और इसकी स्थिति एग्जैक्टली क्या है, अन्नपूर्णा शिखर पर, पांच हजार 500 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि ये मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 5,500 फीट है। और ये जो पूर्णागिरि देवी मंदिर है ना, ये देवी के 108 सिद्ध पीठों में शामिल है, 108 सिद्ध पीठों में शामिल। ठीक है, और ये जो 108 सिद्ध पीठों में, ये जो पूर्णागिरि मंदिर का स्थान है ना, ये महाकाली की पीठ माना जाता है, देवी काली की पीठ माना जाता है। और इसके बारे में ये जो शक्तिपीठ हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में एक और क्या इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ते आ रहे हैं वो ये है कि जब राजा दक्ष की पुत्री सती का भगवान शंकर से विवाह हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने देह त्याग कर दिया था तो भगवान शंकर उन्हें गोद में लेके जा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। देखिए, कहीं मिलता है 18 के, कहीं मिलता है 51, कहीं मिलता है 52। ठीक है, हर जगह अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने टुकड़े किए वो टुकड़े इस हिसाब से किए थे कि इस तरह के जो शक्तिपीठ बने हैं ना, हर स्थान पर देवी के शरीर का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई भाग गिरा था। तो कुछ के बारे में हमें जानकारी मिलती है और कुछ के बारे में हमें नहीं जानकारी मिलती कि वहां पर देवी के शरीर का कौन सा भाग गिरा था। तो जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, मिलेगी, वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे पूर्णागिरि के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर सती देवी का, या यूं कह लीजिए देवी सती के शरीर का नाभि भाग गिरा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, देवी के शरीर का नाभि भाग यहाँ पर गिरा था। और ये जो पूर्णागिरि है ना, इसको पूर्णगिरि भी कहा जाता है। और यहाँ से काली नदी निकलती है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा उत्तराखंड के उसमें बताऊं लोकेशन में, जैसे ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट होता है आपका, फिर जैसे आप इधर को ऐसे ऐसे करके जाते हैं, ये पिथौरागढ़ हो गया, इधर को ये हो गया आपका चंपावत, ऐसे मोटा मोटा सा मान लीजिए। ये अगर आपका चंपावत है तो ये जो नदी जा रही है ना आपकी, ये नदी काली नदी है। और यहाँ पर इसे ना शारदा भी कहा जाता है, यहाँ से ऐसे काली शारदा दोनों इसी के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर चैत्र नवरात्रि को मेला लगता है। चैत्र नवरात्रि पूर्णागिरि धाम के लिए बहुत स्पेशल ओकेजन है, बहुत भव्य उत्सव है यहाँ के लिए। चैत्र नवरात्रि पर 2 महीने यहाँ पर मेला लगता है, बहुत भारी मेला होता है, इसमें बहुत भीड़ होती है। तो उस समय देवी के दर्शनों का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, तो इस मेले को आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो वैसे कोरोना पीरियड चल रहा है, फर्दर जब कोरोना ठीक हो जाएगा, इसकी प्रॉपर अभी जो वैक्सीन है दैट्स नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल, फर्दर कभी कोई सक्सेसफुल वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद आप ऐसी भीड़ भाड़ में, वैसे तो लोग अभी भी जा रहे हैं, लोग इतना फॉलो नहीं कर रहे, बट आई थिंक वी ऑल शुड बी सिक्योर, हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सबको मास्क यूज़ करना चाहिए, कोई भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। तो अभी तो आप इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए, वैसे भी बहुत सारे मंदिर वगैरह बंद भी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार विजिट कीजिए, बहुत सुंदर तीर्थस्थल है पूर्णागिरि देवी मंदिर।
अब पूर्णागिरी जाने के रूट के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। यहाँ के अगर आप यहाँ पर रेलवे ट्रैक से आना चाहते हैं, ट्रेन से आना चाहते हैं यानी कि, तो टनकपुर में ही है आपका रेलवे स्टेशन, आप यहाँ तक आ सकते हैं ट्रेन से, ठीक है। इसके आगे आपको लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है देवी का मंदिर, ठीक है। और अगर आप आना चाहते हैं सड़क मार्ग से, वैसे रूट से, बस वगैरह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठूलीघाट आप आएंगे और ठूलीघाट से आप टुन्यास आएंगे, टुन्यास से फिर 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा से आप पूर्णागिरी देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। अब तो ना पूरा ऊपर तक रूट बन गया है, बहुत ही कम पैदल चलना पड़ता है। एक टाइम था जब आपको 14-14 किलोमीटर के लगभग पैदल चलना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में आपको 2-3 किलोमीटर मुश्किल से चलना पड़ता है। हर फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। और अगर आप प्लेन के रूट से आना चाहते हैं, हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, तो सबसे पास पंतनगर हवाई अड्डा है, जहाँ से ये आपका जो पूर्णागिरी मंदिर है ना, ये 121 किलोमीटर पे स्थित है, तो आप उस रूट से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा पूर्णागिरी मंदिर हो गया, इसके बारे में जो बेसिक इन्फो थी वो मैंने अब सब आपको सब बता दी। आप इसे ध्यान रखिएगा, मेरे लिए अन्नपूर्णा शिखर और ये देवी का नाभिभाग, ये दो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेला कब लगता है, चैत्र नवरात्रि पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।